एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस। तो बच्चों, हम क्या कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर 3 क्वेश्चंस। तो हम जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जहां से हमने लास्ट वीडियो में उसे छोड़ दिया था। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर, ठीक है। तो हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? हम स्टार्ट कर रहे हैं द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, ठीक है। यहाँ से जो है हम अपना चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैं आपको एक स्टोरी फॉर्म में बताऊंगी, आपको क्या है साथ साथ में रीड आउट करते जाना है चैप्टर को और स्टोरी को समझते जाना है, क्योंकि अगर स्टोरी सीख ली तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। जो हर्मिट थे ना बच्चों, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, कमज़ोर से थे, और वो अपना काम करते थे, वो भी तेज़, ठीक है। जब भी वो बच्चे, वो हर्मिट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो हर्मिट है वो अपना काम कर रहे थे ना। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि क्या है कि जो राजा है वो एक हर्मिट से मिलने आते हैं अपनी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो वो जो हर्मिट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े होते हैं, ठीक है। वो अपना काम जो है बहुत ही फोकस तरीके से कर रहे होते हैं, और जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, वो तेज़ जो है सांसें ले रहे होते हैं, मतलब हाँफ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहीं से भाग कर आते हैं ना, तो हम तेज़ सांसें लेते हैं, हाँफते हैं, ठीक है। तो वही जो सिचुएशन थी वो किन के साथ आई हुई थी, हर्मिट के साथ आई हुई थी। तो जो किंग है, किंग ने जब हर्मिट के पास गए ना किंग, तो वो जो उनके पास गए, ठीक है, मतलब क्या है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो किंग है वो किन के पास गए, हर्मिट के पास गए, ठीक है। तो क्या हुआ, तो उनके पास जाकर किंग ने क्या कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, कि मैंने आपके बारे में सुना है और मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। डायरेक्ट जो है किंग ने अपनी सारी बात किन को कह दी, हर्मिट को बोल दी कि मैं क्या है आपसे मिलने आया हूँ, और क्यों मिलने आया हूँ, क्योंकि मेरे को आपसे 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब क्या है, फिर वो क्या करता है, जो राजा है वो क्या करते हैं, अपने जो 3 क्वेश्चंस है वो बताते हैं। अब वो 3 क्वेश्चंस क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये जो ये राजा हैं, ये किन से मिलने आए हैं, हर्मिट से मिलने आए हैं। इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि मैं सही समय पर सही काम कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, और अगर इंग्लिश में बोलूँ तो हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। लास्ट क्वेश्चन है जो राजा का, वो क्या है, और कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये राजा के 3 क्वेश्चंस होते हैं, जो क्या चाहते हैं राजा कि इन 3 क्वेश्चंस का आंसर कौन दे दे, हर्मिट दे दे, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं, विद्वान लोग थे, वाइज पर्सन थे, वो तो किंग के इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए, इसलिए वो हर्मिट के पास मदद लेने आए। हर्मिट ने क्या किया, राजा की सारी बात सुनी मगर कुछ भी बोले नहीं। हर्मिट जो थे उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके क्वेश्चंस का कोई भी रिप्लाई नहीं किया, कि इन्होंने जो हर्मिट है उन्होंने राजा के कोई भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया, और अपना जो काम कर रहे थे वो डिगिंग का, मतलब जो गड्ढा है वो खोद रहे थे, तो उसे क्या करा, जारी रखा। फिर राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे, ये जो आपकी कुल्हाड़ी है, मतलब क्या है, ये जो आपकी स्पेड है, ठीक है, तो ये क्या कर दीजिए, आप मुझे दे दीजिए, और आप क्या कर लीजिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। तो जो हर्मिट होते हैं उन्होंने क्या कर दिया, राजा को थैंक यू बोला, और अपना स्पेड किसको दे दिया, अपना जो स्पेड है, कुल्हाड़ी है, वो किसको दे दी, राजा को दे दी, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा, नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हर्मिट ने थैंक यू बोला और अपना स्पेड दे दिया राजा को, हमने ये पढ़ा था। तो साइड में जो हर्मिट है वो जाकर बैठ जाते हैं। फिर किंग ने बहुत देर खुदाई करते रहे, जो किंग है वो अपनी खुदाई में बिजी हो गए, ठीक है। उन्होंने 2 गड्ढों की खुदाई कर दी, फिर वो रुके, ठीक है, और उन्होंने फिर से अपना क्वेश्चन किन से पूछा, हर्मिट से पूछा, लेकिन फिर से हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया, और फिर से राजा जो थे वो अपने काम में लग गए। फिर हर्मिट राजा से कहते हैं कि अब आप थक गए हैं, तो अब आप क्या कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। मगर किंग ने, जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, अपनी कुल्हाड़ी स्पेड जो है वो हर्मिट को नहीं दी, और अपना जो गड्ढा है, जो ग्राउंड है, उसको क्या करते रहे, डिग करते रहे, खोदते रहे। फिर 1 घंटा जो है ऐसे ही क्या हो गया था, बीत गया था, और जो सूरज है, ठीक है, यानी कि जो सन है वो सेट होने लग गया था, मतलब जो सूरज है वो क्या होने लग गया था, ढलने लग गया था, डूबने लग गया था। तो फिर किंग ने क्या कर दिया, स्पेड को ग्राउंड पे रख दिया ना। अब क्या है कि थोड़ी देर पहले हमने देखा
कि हर्मिट को क्या कर रहे थे, हर्मिट राजा को बोल रहे थे भी जो ये कुल्हाड़ी है, ये जो स्पेड है, ये मुझे आप दे दीजिए और आप क्या कर लीजिए, आराम से बैठकर यहाँ पर रिलैक्स कीजिए। लेकिन किंग ने जो है स्पेड नहीं दी थी, वो एक घंटे तक लगातार जो है अपना गड्ढा खोदने में बिजी रहे। ठीक है, तो अब क्या है, एक घंटा जब पास हो गया, पास आउट हो गया, तो किंग ने क्या किया, जो स्पेड है, कुल्हाड़ी है, उसको ज़मीन पर रख दिया, ग्राउंड पर रख दिया। फिर जो हर्मिट थे, किंग ने हर्मिट को कहा कि वो उनसे कुछ आंसर पूछने आए हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो जिनका आंसर क्या चाहते हैं, किंग हर्मिट दे। ठीक है, अब क्या है, फिर वो कहते हैं कि अगर आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते, ठीक है, जो हर्मिट है ना, ठीक है, हर्मिट को क्या है, वो बोलते हैं कि अगर भाई आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहते, कोई भी जवाब मुझे नहीं देना चाहते, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं घर वापस चला जाऊंगा। और जैसे ही, तो मतलब क्या है कि मतलब क्या था कि सिर्फ इतना ही था कि क्या बात कर रही थी मैं, ये बता रही थी कि जैसे ही जो है ये सब बोल रहे होते हैं किंग हर्मिट को, तो अचानक से वहाँ पर क्या आ जाता है, एक आदमी आ जाता है। और यहाँ पर जो है हमारी स्टोरी का क्लाइमैक्स सीन आने वाला है बच्चों, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट की यहाँ से क्या है स्टार्टिंग होने वाली है। तो ये जो सेकेंड पार्ट है ना बच्चों, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज अगर मैं अभी आपको सारा स्पीडली चैप्टर करवा दूँगी तो ये आपका भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम आज का टाइम इतना ही नहीं करेंगे, हम थोड़ी और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बच्चों द स्क्विरल, हमारा फर्स्ट चैप्टर है 3 questions। तो इसकी जो पोएम है ना द स्क्विरल, उसको कर लेते हैं, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं द स्क्विरल से। तो देखो बच्चों, ये हमारी पोएम है द स्क्विरल, तो इसे हम है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, He set up straight to eat a nut. अब इसमें क्या बताया गया बच्चों, इसमें बताया गया है कि स्क्विरल के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि हमारा जो पोएम का नेम है वो स्क्विरल ही है। अब स्क्विरल को किससे रेफ़र किया जा रहा है, तो ही जो है उसे किससे रेफ़र किया जा रहा है, स्क्विरल को ही से रेफ़र किया जा रहा है। और बोलते हैं कि जो स्क्विरल की टेल है, यहाँ पर आपको स्क्विरल की इमेज दिख रही है, ठीक है, जो स्क्विरल की टेल है वो कैसी दिख रही है बच्चों, तो वो आपको एक क्वेश्चन मार्क की तरह लग रही होगी। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन मार्क की तरह। तो ये बोलते हैं कि जो ये स्क्विरल है, इनकी जो टेल है वो कैसी है, वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह लग रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क होती है, ठीक है, तो वो ऐसी लगती है कि जैसे कोई क्वेश्चन मार्क है। और वो क्या है कि ओवरकोट पहनती है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, मतलब क्या है, स्क्विरल क्या करती है, एक ग्रे कलर का ओवरकोट पहनती है। ठीक है, इसका सही मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि जो उसके ऊपर वाली स्किन है ना, जैसे स्क्विरल है, स्क्विरल के जो ऊपर वाली स्किन है तो ये किस कलर की है, ये ग्रे कलर की है। ठीक है, और क्या है, वो ऊपर की तरह क्या है बैठ जाती है, जैसे ये क्या है हमारा ट्री है, पेड़ है, तो इसके ऊपर की तरफ क्या है स्क्विरल बैठी है। और वो यहाँ पर क्या कर रही है, वो यहाँ पर नट खा रहा खाता है, जो स्क्विरल है वो क्या कर रहा होता है, यहाँ पे नट खा रहा होता है। तो उसका जो फेवरेट जो फूड होता है ना, हम मान सकते हैं वो क्या होता है, नट होता है। और वो यहाँ पर खा क्या रहा है, वो नट ही खा रहा है। ठीक है, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, और जो स्क्विरल है उसको क्या है, चिढ़ाना, दूसरों को खेल, दूसरों के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। टीज का मतलब क्या होता है बच्चों, चिढ़ाना होता है टीज का मतलब। ठीक है, एंड इफ़ वी रेन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे, ठीक है, और अगर हम उसके ट्री के पास जाएँ तो वो दूसरी तरफ से भाग जाता है। देखो हमने देखा है ना, अगर स्क्विरल के हम पास जाते हैं तो वो जल्दी से है दूसरी साइड से भाग जाता है। ठीक है, तो इस पोएम में हमने देखा कि स्क्विरल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी, कि स्क्विरल की क्या है, जो टेल है वो किस टाइप की है, वो एक क्वेश्चन मार्क टाइप की है। जो स्क्विरल की जो ऊपर वाली स्किन है वो किस कलर की है, वो ग्रे कलर की है। तो ऐसा लग रहा है कि उसने कोई ओवरकोट पहना हुआ है। वो क्या चीज़ खा रहा है, वो नट खा रहा है। ठीक है, उसे क्या करना पसंद है, उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, लोगों को चिढ़ाना पसंद है। और अगर हम उसकी ट्री के पास जाते हैं तो वो क्या है, वो दूसरी तरफ से भाग जाता है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, जो हमारी पोएम है द स्क्विरल, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब एग्जाम में कई बार है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों की, जो ये द स्क्विरल पोएम है ये लिखी किसने है, तो आपको याद रखनी है ये बात, जो स्क्विरल पोएम है ये लिखी है मिल्ड्रेड बोर्ड्स आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इनका नेम जो है आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ही इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट होता है, बाकी जो है हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।